गलतेश्वर मंदिर आपको अपने भौतिक जीवन के जड़ों तक जाने का एक अवर्णनीय मार्ग है, और शिव एक ऐसे देवता है जिनके कई सारे नामों का संग्रह इस अवर्णनीय रहस्य को प्रकट करता है कि वो कौन है, ये सृष्टि क्या है। महाकाल के रूप में वो समय के स्वामी है, और काल भैरव के रूप में वही समय के विनाशक। ये मंदिर वडोदरा से लगभग 64 और डाकोर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में मालवा की प्रसिद्ध भूमिजा शैली में करवाया गया था। सोलंकी शासन में बनवाया ये मंदिर माही और गलती नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर की दीवारों पर सभी देवी देवता, गांधर्व, मनुष्य, ऋषि मुनि, घुड़सवार, हाथी सवार, डोली, मनुष्य के जीवन का चक्र चित्रित है। जहाँ पे आप मंदिर के पीछे एक झरना है, आप वहाँ भी जाकर उस झरने का लुत्फ उठा सकते हैं। गुजरात में स्थित ये गलतेश्वर मंदिर को भूमिजा शैली में बनवाया गया था, और ये गुजरात की काफ़ी प्राचीन शैलियों में से एक है जो बड़ी ही मुश्किल से देखने को मिलती है। अष्टभद्र मंदिर मुश्किल से आजकल देखने को मिलते हैं, और ये भी उन्हीं में से एक है। ये मंदिर निरांधर तरह का है, जिसमें गर्भगृह और मंडप पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है बनवाते समय। इस मंदिर के मंडप को 8 स्तंभों से बनवाया गया है। ये मंदिर चालुक्य के शासन काल में बनवाया गया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर और सेकजपुर का मंदिर कुछ इसी तरह दिखता है, या आप ऐसा कह सकते हैं ये मंदिर भी उनकी तरह लगभग दिखता है। इस मंदिर के अंदर 8 स्तंभ और बाहर 16 स्तंभ लगाए गए हैं, और इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह मंडप से काफ़ी नीचे है, जहां पे आपको शिवलिंग भी देखने को मिलते हैं। अंदर से ये मंदिर 4 भुजाधारी है, पर बाहर से ये गोलाकार दिखता है, और यही इसकी खासियत है, जिसका व्यास 24 फीट है। मंदिर के आसपास 3 दिशाओं में बहुत ही भव्य गार्डन भी बनाया गया है, जहाँ पे आप कुछ पल बैठकर बड़े ही आराम से इस मंदिर की सुंदरता को निहार सकते हैं। साथ साथ ये वन डे पिकनिक स्पॉट भी बहुत ही सुंदर सा है। मित्रों, मंदिर में प्रवेश निशुल्क है, अथवा यहाँ पे आने का कोई भी चार्जेस लगता नहीं है। बस अगर आप कोई गाड़ी लेकर आना तो उसका चार्ज जरूर भरिएगा। मित्रों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी और ये प्राचीन कहानी को विराम देता हूँ। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।